जैसे ही हम हाइट वाले इलाकों में दाखिल होते हैं, बुलंदी वाले इलाकों में आते हैं, आमतौर पर 2300 मीटर बुलंद इलाकों में दाखिल होते हैं, तो वाइब्स ही बदल जाती हैं। पूरा एनवायरनमेंट बदल जाता है, वेदर बदल जाता है, इवन मकानात जो बिल्डिंग होती हैं इनका इंफ्रास्ट्रक्चर और इनका तर्ज तामीर भी बदल जाता है। एक टोटली डिफरेंट सिनेरियो होता है, जैसे एक मुख्तलिफ जियोग्राफिक लोकेशन हो, एक मुख्तलिफ कंट्री हो या कोई मुख्तलिफ जोन हो। जब हम कम बुलंदी वाले एरियों में थे तो डिफरेंट सीन्स थे इमारात के और इन्वायरमेंट के और मौसम के। अब यहाँ टोटली हर तरफ सफ़ेदी है, स्नो है, स्नो कवर्ड एरिया है और मकानात भी उसी हिसाब से हैं और ठंडे इलाकों वाले पाइन्स के दरख्त हैं यहाँ पे। मालम जबा रिज़ॉर्ट की जो विंटर सीज़न है इसकी अपनी एक अलग खूबसूरती है, अलग एडवेंचर्स हैं, अलग एक्टिविटीज़ हैं, जबकि यहाँ समर में डिफरेंट वेदर होता है और डिफरेंट यहाँ पे एडवेंचर हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। विंटर सीज़न में ये एरिया स्नो कैप्ड होता है, इवन सम टाइम अनएक्सेसिबल हो जाता है, जबकि समर में ये लश ग्रीन होता है और यहाँ पर सबसे की अपनी एक खूबसूरती और अपना एक इन्वायरमेंट होता है।